हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम रासायनिक प्रतीक पढ़ने वाले हैं। रासायनिक प्रतीक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो ब्लॉक है आवर्त सारणी में जिस तरीके से बनाए गए हैं उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, और किस तत्व को किस प्रतीक द्वारा शो किया गया है वो पढ़ेंगे। जो नॉर्मली ब्लॉक है उसको चार भागों में बांटा जाता है, एस पी और डी और एफ। आवर्त सारणी क्यों बनाई गई है, आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी बनी। तो क्या होता था कि बहुत सारे तत्व हमारे धरती पर मौजूद हैं और सबके अलग अलग रासायनिक गुण हैं। कुछ के रासायनिक गुण सेम है, कुछ के भौतिक गुण सेम है। तो जो अलग अलग गुण वाले जो चीज़ें थी, ऐसी तत्व जिनके कुछ गुण सेम होते हैं तो समान गुण वालों को एक जगह पर रख दिया गया, फिर कुछ गुण एक से हैं तो फिर उनको अलग रख दिया गया, तो ताकि तत्वों की पहचान करने में आसानी हो और नए तत्वों को भी हम आसानी से ढूंढ सकें और पहचान सकें, इसलिए आवर्त सारणी बनाई गई है। सबसे पहले हम एस ब्लॉक के तत्व पढ़ते हैं। एस ब्लॉक के तत्व चार ब्लॉक में बांटा गया है। सबसे पहला जो है और सबसे छोटा है वो एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक में समूह फर्स्ट तत्व के तत्व और समूह सेकंड के तत्व। इसका मेनली आपको परमाणु क्रमांक और किस प्रतीक से इनको दर्शा रहे हैं वो आपको याद कर लेना है। सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक एच होता है और इसका परमाणु क्रमांक एक होता है। फिर होता है लिथियम। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तीन होता है और उसका प्रतीक Li होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और प्रतीक इसका Na होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक K होता है और इसका जो प्रतीक K होता है और परमाणु क्रमांक 19 होता है। रुबिडियम का जो प्रतीक है वो RB होता है और इसका परमाणु क्रमांक 37 होता है। सीजियम का CS होता है और रासायनिक जो परमाणु क्रमांक है वो 55 होता है। परमाणु क्रमांक से मतलब इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ये संख्या होती है। फेंसियम का प्रतीक FR होता है और परमाणु क्रमांक 87 होता है। फिर ये पी ब्लॉक के समूह दो के तत्व हैं। सबसे पहला है बेरिलियम। बेरिलियम भी इसे प्रदर्शित करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। स्ट्रॉन्शियम को Sr से प्रदर्शित करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 38 होता है। बेरियम को Ba से प्रदर्शित करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 56 होता है। और रेडियम को Ra से प्रदर्शित करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 88 होता है। अब हम पी ब्लॉक के तत्व देखते हैं। पी ब्लॉक में दो समूह के तत्व आते हैं, समूह 15 के तत्व और समूह 14 के तत्व। जैसे एस ब्लॉक में समूह फर्स्ट और समूह सेकंड है, ऐसे ही पी ब्लॉक में समूह 15 और समूह 14 के पूरे तत्व आते हैं। सबसे पहला है बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, प्रतीक भी होता है। एल्यूमिनियम का Al प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है। गैलियम का Ga प्रतीक होता है और परमाणु क्रमांक 31 होता है। इंडियम का Al प्रतीक होता है और परमाणु क्रमांक 49 होता है। थैलियम का Ti होता है और परमाणु क्रमांक 81 होता है। इसी प्रकार समूह 14 के तत्व, सबसे पहला है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। सिलिकॉन का प्रतीक Si है और परमाणु क्रमांक 14 है। जर्मेनियम का Ge है और परमाणु क्रमांक 32 है। टिन का SN है और टिन का SN है और परमाणु क्रमांक 50 है। लेड का Pb है और परमाणु क्रमांक 82 है। अगला देखते हैं समूह 15 और 16 के और जो तत्व आते हैं, इसमें नाइट्रो जो ये हो गए और बाकी के जो तत्व हैं वो ये हैं। समूह 15 और 16 में नाइट्रोजन है, 7 होता है। फास्फोरस का 15 प्रतीक P, आर्सेनिक का As प्रतीक परमाणु क्रमांक 33, एंटीमनी का Sb प्रतीक परमाणु क्रमांक 51, बिस्मत का Vi प्रतीक और परमाणु क्रमांक 83। ऐसे ही समूह 16 के और तत्व में आ जाएगा। ऑक्सीजन O प्रतीक है, परमाणु क्रमांक 8 हो जाएगा। सल्फर का प्रतीक S है, परमाणु क्रमांक 16 हो जाएगा। सिलेनियम का Se प्रतीक है, परमाणु क्रमांक 34 हो जाएगा। टेलूरियम का Te प्रतीक है, परमाणु क्रमांक 52 है। पोलोनियम का Po प्रतीक है और परमाणु क्रमांक 84 है। इसी में समूह 17 और समूह 18 के तत्व आ जाएंगे। पी ब्लॉक में फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन का Cl परमाणु क्रमांक 17, ब्रोमीन का Br परमाणु क्रमांक 35, आयोडीन का I परमाणु क्रमांक 53, एस्टेटीन का At और परमाणु क्रमांक 85। इसी प्रकार हीलियम का 2 है, नियोन का Ne और 10 है। ये सभी अक्रिय गैस में आते हैं, समूह 18 के तत्व।
अक्रिय गैस ये होता है कि इनके अष्टक जो होते हैं पूरे होते हैं, जब अष्टक पूरा होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती और ये निष्क्रिय होते हैं। इनको नोवल गैसेस भी बोलते हैं, आदर्श गैस या नोवल गैस या उत्कृष्ट गैस बोला जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन ये सभी नोवल गैसेस हैं। हीलियम का प्रतीक 2 होता है, नियोन का Ne और 10 परमाणु क्रमांक होता है, आर्गन का Ar प्रतीक और परमाणु क्रमांक 18 होता है, क्रिप्टॉन का प्रतीक Kr होता है, परमाणु क्रमांक 36 होता है, जिनोन का Xe प्रतीक होता है और परमाणु क्रमांक 54 होता है, रेडोन का प्रतीक Rn होता है और परमाणु क्रमांक 86 होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। अब डी ब्लॉक के तत्व देखते हैं। डी ब्लॉक में पहला स्कैडियम, Sc प्रतीक है, 21 परमाणु क्रमांक, टाइटेनियम का Ti 22 परमाणु क्रमांक, वैनेडियम का V परमाणु क्रमांक 23 है, क्रोमियम का Cr परमाणु क्रमांक 24, मैंगनीज का Mn परमाणु क्रमांक 25, आयरन का Fe परमाणु क्रमांक 26, कोबाल्ट का Co परमाणु क्रमांक 27, निकिल का Ni परमाणु क्रमांक 28, कॉपर का Cu परमाणु क्रमांक कॉपर का 29 होता है, जिंक का Zn और परमाणु क्रमांक 30, हैफनियम का HF प्रतीक होता है और 72 परमाणु क्रमांक होता है, इसके बाद टाइटेनियम का 73 परमाणु क्रमांक होता है, Ta प्रतीक होता है, टंगस्टन को W से शो करते हैं और 74 उसका परमाणु क्रमांक होता है, इसी प्रकार रीनियम को Re से शो करते हैं 75 परमाणु क्रमांक, ऑस्मियम को OS से 76 परमाणु क्रमांक, इरिडियम को IR से 77 परमाणु क्रमांक, प्लेटिनम को PT से 78 परमाणु क्रमांक, गोल्ड को AU से और परमाणु क्रमांक 79, मरकरी को HG से परमाणु क्रमांक 80। इसके बाद आता है इरिडियम, इरिडियम को Bi से करते हैं, 39 परमाणु क्रमांक होता है, फिर जिकोनियम Zr 40 होता है, नियोबियम Nb 41 होता है, मोलिब्डेनम Mo 42 होता है, टेक्टिनियम Tc इसका टेक्टिनियम का 43 होता है, रुथीनियम Ru 44, रोडियम Rh 45, पैलेडियम Pd का 46, सिल्वर Ag का 47, कैडमियम Ca का, कैडमियम को Cd से करते हैं, याद रखिएगा कैडमियम को Cd से करते हैं, रदरफोर्ड को Rf 104 होता है, डनियम Dv 105 होता है, सोवार्जियम Sg 106 होता है, बोरियम Bh 107, हैसियम HS 108, मेटेनेरियम Mt 109, डर्मेन स्टेडियम DS 110, रेंट जेनियम RG 111 और कॉपर नीसियम CN 112। फिर होते हैं F ब्लॉक के तत्व। F ब्लॉक के तत्व को 2 भागों में बांटा जाता है, एक लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। लेंथेनाइट्स क्या होते हैं, Li 57, सीरियम 58, प्रेजियोडीमियम 59, नियोडीमियम 60, प्रोमिथियम PM 61, समेरियम SM 62, यूरोपियम EU 63, गेंडोलियम GD 64, टर्बियम TV 65, डिस्पोसियम DY 66, होलमियम HO 67, आरबियम ER 68, थूलियम TM 69, इटरबियम BY 70 और ल्यूटेशियम LU 71। इसके अलावा एक्टिनाइट श्रेणी कौन सी होती है, एक्टिनियम सबसे पहला होता है, जैसे लेंथेनाइट का लेंथेनम पहला होता है, एक्टिनाइट का AC का 89, थोरियम का TH का 90 है, प्रोटेक्टिनियम का PA का 91, यूरेनियम U का 92, नेपच्यूनियम का NP का 93, प्लूटोनियम PU का 94, अमरेसियम AM का 95, क्यूरियम CM का 96, बकेलियम BK का 97, कैलिफोर्नियम CF का 98, आइंस्टीनियम ES का 99, फर्मियम FM का 100, मेंडिलीवियम MD का 101, नोविलियम MNO का 102 और लॉरेंसियम LR का 103। तो फ्रेंड्स, ये थे पूरे के पूरे जितने भी प्रतीक हैं, उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और इनको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।